एग्जैक्ट हिस्ट्री सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बताता हूँ, क्योंकि आप कहीं पे भी अप्लाई करेंगे, कहीं पे भी आप इंटरव्यू फेस करेंगे, तो आपसे थोड़ी सी हिस्ट्री सी लैंग्वेज की जरूर पूछी जाएगी। सबसे पहले याद रखिएगा, सी की लॉन्चिंग कब हुई थी? सी की लॉन्चिंग हुई थी 1972 में। सेकेंड पॉइंट आता है, सी को डेवलप किसने करा? सी के डेवलपर का नाम क्या है? हु क्रिएटेड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो याद रखिएगा, सी को डेवलप करने का क्रेडिट, मेजर क्रेडिट जिनको जाता है, उनका तो नाम है मिस्टर डेनिस रिची। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी इनका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्रिएशन में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, एंड दैट इज वाई पीपल कॉल हिम फादर ऑफ सी। ओके, लेकिन मिस्टर डेनिस रिची को समय समय पर उनके एक फ्रेंड ने सपोर्ट करा था। बहुत सारी जगहों पर सी बनाते वक्त मिस्टर डेनिस रिची फंस गए थे, अटक गए थे, किसी प्रॉब्लम में आ गए थे, तो उनके डाउट्स को, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व उनके एक बहुत क्लोज फ्रेंड ने करा था, जिनका नाम है मिस्टर ब्रायन कर्निगन। तो याद रखिएगा, सी इन दो लोगों का प्रोडक्ट है, लेकिन इनमें भी 90% काम किसका है? प्लीज रेस्पॉन्ड, 90% काम किसका है? 90% काम मिस्टर डेनिस रिची का है। दैट इज द रीजन कि मिस्टर डेनिस रिची को क्या बोला गया है? दैट इज द रीजन मिस्टर डेनिस रिची को बोला गया है फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन्होंने ही सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिजाइन करा, मेजर काम सी को बनाने में इनका ही था। नेक्स्ट आता है, मिस्टर डेनिस रिची और मिस्टर ब्रायन कर्निगन किस कंपनी में थे जब इन्होंने सी लैंग्वेज को डेवलप करा? ऑब्वियसली बात है, उस कंपनी को भी क्रेडिट जाएगा। तो इन लोगों ने सी लैंग्वेज को डेवलप करा था AT&T नाम की कंपनी में रहते हुए। अगर आप जानते हो तो AT&T अमेरिका में टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, जैसे इंडिया में जियो जानते हैं, जान पूछने की जरूरत ही नहीं है, सभी लोग जानते होंगे जियो, एयरटेल, ये सब टेलीकॉम कंपनीज हैं। ऐसे अमेरिका की बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी है AT&T। तो मिस्टर डेनिस रिची और मिस्टर ब्रायन कर्निगन AT&T कंपनी में जॉब करते थे, और वहां रहते हुए इन्होंने सी लैंग्वेज को डेवलप करा। अगर सी की बर्थ प्लेस का नाम लिया जाए, यानी सी डेवलप कहां हुई, AT&T के कौन से ऑफिस में हुई, तो याद रखिएगा सी की बर्थ प्लेस का नाम था बेल लैब्स। बेल लैब्स कहां पर सिचुएटेड है? बेल लैब्स सिचुएटेड है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, राइट? और गेस करिए, बेल लैब्स का नाम बेल लैब्स क्यों दिया गया? तो थोड़ा सा याद करिए अपने स्कूल डेज, ग्राहम बेल का नाम सुना है आपने? मैं बता रहा हूं, ग्राहम बेल का नाम सुना है? सुना है। क्या करा था ग्राहम बेल ने? ग्राहम बेल का नाम किस लिए लिया जाता है? जल्दी जल्दी बोलिए, ग्राहम बेल कौन थे? वेरी गुड, इन्वेंटर थे, इन्वेंशन करी थी ना उन्होंने, राइट, टेलीफोन की, और बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस बनाया था जिसपे आज पूरी दुनिया बेस्ड है। बिल्कुल ऐसे अपनी लेबोरेटरी का नाम AT&T ने बेल लैब्स दिया, क्योंकि यहां इन्होंने बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिजाइन करी हैं। दो लैंग्वेजेस आप भी पढ़ेंगे, CD और C++ भी। याद, इससे ज्यादा हिस्ट्री आपसे कोई सी लैंग्वेज की नहीं पूछेगा, राइट? और अगर मैं एक लाइन और लिख दूं, सी का नाम इंस्पायर्ड किससे? जल्दी जल्दी बोलिए, नाम इंस्पायर्ड किससे है? तो नाम इंस्पायर्ड है अपनी पेरेंट लैंग्वेज से। कौन पेरेंट लैंग्वेज? पेरेंट लैंग्वेज है बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो नेम इज इंस्पायर्ड बाय द पेरेंट लैंग्वेज कॉल्ड बी लैंग्वेज।